के साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान का दौरा है। राजस्थान में प्रचार अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगाज करेंगे। आपको बता दें कि कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट को साधेंगे पीएम। 2:45 पर जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। मंच तैयार है, कार्यकर्ताओं से पंडाल भर गया है, जनता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आतुर नजर आ रही है। और आपको बता दें आज ये राजस्थान का दौरा है जहां से चुनावी शंखनाद आज प्रधानमंत्री करने जा रही है। 2 दिन गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के प्रवास पर रहे, स्थितियों को जाना और जमीनी हकीकत क्या है उसे भापने के लिए आए थे। और आज प्रधानमंत्री जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट को साधने के लिए पहुंच रहे हैं, तो बेहद खास तैयारियां भी की गई हैं। बड़ी संख्या में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, आमजन भी वहां पर जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। जबरदस्त जोश इस वक्त दिखाई दे रहा है जनसभा में। खास तैयारियां हैं, अब इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुंकार भरेंगे और मंच से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कई खास सीटों को साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी और इसे लेकर बीजेपी की ओर से बेहद खास तैयारियां कर ली गई हैं। बिल्कुल, पंडाल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। अब इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का है और प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर आज अपने भाषण से विपक्ष पर प्रहार करेंगे और साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में भी जनता को अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है, पंडाल खचाखच भरा हुआ है और जहां तक निगाह जा रही आप हाथों में पीएम मोदी के स्टिकर्स ले हुए लोगों को देख सकते हैं। बहुत जोश है लोगों में और अभी पीएम के आने में काफी वक्त है लेकिन लोग पहले से यहां पर जमा है। कितने बजे आ गए थे आप यहाँ? 10:30 आ गए थे और हाँ 10:30 से इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर शोर से स्वागत करने के लिए। पूरी 25 की 25 सीट राजस्थान से देंगे। क्या लगता है माहौल क्या कह रहा है मोदी जी आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं चुनाव प्रचार की? बढ़िया माहौल है, मोदी जी आने के लिए बहुत माहौल है, बहुत तगड़ी है। हाँ सब, आप कहाँ से आए? नोएडा से। नोएडा? नोएडा से भी लोग आए मोदी जी सुनने के लिए? नोएडा। नोएडा से? क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल बीजेपी, बीजेपी मोदी। चार तो पार जाएंगे मोदी जीतेंगे। लोग जो है सुबह से यहाँ पर आकर के जम गए थे और बड़ी संख्या में आप इधर देखिएगा कि लोगों की भीड़ जो है वो जमी हुई है। लोग ये मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी की आवाज हर तरफ से सुनाई पड़ रही है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? खड़े होइए। क्या माहौल है, क्या कह रहे? माहौल बहुत बढ़िया है। कैसे? मोदी जी आ रहे हैं, अब की बार 400 पार सीट लेकर के जाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल भाई, कोटपुतली। तो पीएम मोदी की कोटपुतली में होने वाली जनसभा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए लालचंद कटारिया क्या बोले सुनाते हैं आपको। तो लोकसभा चुनाव के लिए क्योंकि प्रत्याशियों सांसद रह चुके हैं कि हमारे साथ में लालचंद कटारिया भी हैं जो 2009 से लेकर 2014 के बीच में इसी संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। कटारिया साहब, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और किस तरह से जयपुर ग्रामीण की जनता आपको लगता है बीजेपी को चुनाव जिताने जा रही है? देखिए, देश के इतिहास में आजादी के बाद में कोटपुतली की धरती पर मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज रैली को संबोधित करेंगे और मैं कह सकता हूं कि लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान वर्ग के लोग इस रैली में भाग लेंगे, मोदी जी की बात सुनेंगे। कोटपुतली जो अलग जिला बना है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में आता है, ईआरसीपी का जो मामला था, आने वाले समय में जैसे ही नई सरकार का गठन होगा ईआरसीपी का जो कार्य गति पकड़ेगा, मैं ये कह सकता हूं कि जयपुर ग्रामीण का जो किसान वर्ग है वो अपने आप में आने वाले 5 साल बाद में इतना मजबूत हो जाएगा कि जो पानी की समस्या है, मैंने चाहे पीने के पानी की हो चाहे कृषि के क्षेत्र का मामला हो,
उनमें ईआरसीपी के जो जब जितने भी सारे बांध थे हमारे, जैसे कालक का बांध था, इन्होंने अभी राजेंद्र जी बताया बेरी है, बुचारा है, ये जितने बांध है शाहपुरा में 2-3 बांध हैं, इन सबको उसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ की जो मेन समस्या थी पानी की, वो आने वाले समय में दूर होगी। और मोदी जी का जो विजन 2047 तक का है, जो उन्होंने देश के सामने पेश किया है, उसमें युवाओं का, किसानों का एक मतलब भारी उत्साह उसमें देखने को मिलता है। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे दुनिया में अपना डंका बजवाया है और जो देश को ऊंचाइयां दी है, वो जितनी तारीफ काबिल है, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विदेशों में भी इस प्रकार का माहौल देश के प्रति होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, कोटपूतली। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी है। आज बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आपको बता दें, तस्वीरें आपके सामने हैं। जोधपुर से सबसे पहली तस्वीर है कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा, जिन्होंने अपना नामांकन आज भर दिया है। टोंक सवाईमाधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो चार अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस से लेकर बीजेपी कैंडिडेट्स भी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है, उनके कर कमलों के द्वारा और उनके अच्छे काम को देखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे काम को देखते हुए पूरे देश में एक लहर है और सभी चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से 4 जून को फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और भाजपा विकसित भारत 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है उसको हम अंतिम छोर तक पहुंचाएं। और प्रधानमंत्री जी की ये भी कहा है कि इस बार 400 पार, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनने 10 साल में जो परिवर्तन के काम किए हैं उनको देखते हुए पूरे देश में एक लहर है और झालावाड़ 12 में भी है। तो मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने आज अपना पर्चा भरा। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले अरुण गोविल ने मेरठ शहर में रोड शो भी किया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भव्य वहां पर लोगों की भीड़ जुटी। और नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अरुण गोविल के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस बार नया प्रयोग किया है मेरठ में, भारतीय जनता पार्टी ने रामायण के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को इस बार मेरठ से उम्मीदवारी दी है। और मेरठ से अरुण गोविल का बचपन से ही कनेक्शन रहा है। और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले किस तरीके से पूजा पाठ की गई है वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान का नाम लेना, उनकी शरण में जाना, यह हर एक प्रत्याशी के सामने देखने को भी मिलता है। और ठीक इसी तरीके से पूरे विधि विधान के साथ अरुण गोविल भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे। और दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के दावे किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक करीबी के जरिए बीजेपी ने ऑफर दिया था और कहा था कि बीजेपी में ज्वाइन कर ले, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने अभी 4 और आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। वहीं आतिशी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी में शामिल होने के आरोप पर दबाव जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं,
अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इनको समझ में आने लगा कि जिस जिस के खिलाफ एविडेंस है अब उन पे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी पे होगी बाकी पे तो होनी है। अब इनको अपना बचाव करने का ये पुराना तरीका, अरविंद केजरीवाल जी के आप 10 साल के बयान उठा के देख लीजिए। मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया कि तुम्हें अरेस्ट करेंगे, मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया ये डर गए हैं, मेरे को एक भाजपा के नेता ने बताया अब ये तुम्हारे खिलाफ चुनाव में ये वाला काम करेंगे। इनको भाजपा के नेता जाके बताते हैं, जब हम पूछते हैं वो भाजपा का नेता कौन था, बोले उसका नाम नहीं बताएंगे, फोन नंबर किससे फोन आया था वो भी नहीं बताएंगे, तुम्हें बता के कौन गया था उसका नाम भी नहीं देंगे, सब कुछ कहेंगे लेकिन नाम नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जेन मैनुअल के मुताबिक केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। एनसीटी दिल्ली एक्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को भेजी जाने वाली दिल्ली से संबंधित सभी फाइल मुख्यमंत्री के जरिए ही जाती है, और जेल से ये सब मुमकिन नहीं है। सीएम अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं, मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है, जेल से ये प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में खबर यहां तक आई कि ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने कई आदेश दिए। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया कि केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए आदेश के कई लेटर साइन भी किए। बाद में ईडी की तरफ से इस तरह के किसी भी आदेश और लेटर पर साइन की बात से इनकार कर दिया। अब केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ की बैरक नंबर 2 में केजरीवाल एक रात गुजार चुके हैं, और दिल्ली सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जेल से सरकार चलाने की जिद पूरी होना बेहद मुश्किल लग रहा है। दरअसल दिल्ली से संबंधित फाइल सीएम के जरिए ही जाती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है, ऐसी सरकारी फाइल जो सीएम के देखने के बाद ही आगे बढ़ती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। जेल में सीएम केवल न्यायिक जरूरत के कागजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सरकारी फाइल के साथ ये मुमकिन नहीं। सीएम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मुलाकातियों के नाम में वो शामिल नहीं है। ऐसे में सरकारी आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? कैबिनेट के फैसले लेना, आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, जेल से ये मुमकिन नहीं। रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज का संचालन लगभग नामुमकिन। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट जेल से सरकार चलाने पर रोक की याचिका को ये कहकर खारिज कर चुका है कि ये कार्यपालिका का विषय है, लिहाजा इस पर फैसला उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार को लेना है, इसमें न्यायिक दखल का कोई स्कोप नहीं। केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है, और पहले गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। संगीता बेनीवाल ने नामांकन किया है, पाली से कांग्रेस प्रत्याशी है संगीता बेनीवाल। तो निर्वाचन अधिकारी को संगीता बेनीवाल ने अपना नामांकन सौंप दिया है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, विधायक भीमराज भाटी भी उस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। अनुव्रत नगर मैदान में चुनावी सभा भी की जाएगी, सभा में अशोक गहलोत से लेकर टीका राम जूली शामिल होंगे। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि पाली से कांग्रेस प्रत्याशी हैं संगीता बेनीवाल, और अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो पहुंची थी, एक जनसभा भी होगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बाड़मेर से खबर है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी उमेदा राम बेनीवाल की चुनावी सभा में एक बार फिर से पूर्व मंत्री अमीन खान का दर्द छलक उठा।
अमीन खान ने सीएए को लेकर बीजेपी नहीं बल्कि अपनी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से नीची है और सीएए का विरोध किसी कांग्रेस सांसद ने नहीं किया, इसलिए हम कांग्रेस से भी नाराज हैं। मुसलमानों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये जाएंगे कहां? और ये तो वोट कांग्रेस को ही देंगे, यारो काम हुआ चाहे न हुआ परवाह मत करो, दूसरा न राजी करने की कोशिश करो। अब इनमें भी ये रोज चर्चाएं होती है और मेरे पास डेली इनकी बातें आती है। मुसलमानों की हालत हरिजनों से नीची है। अभी भारत सरकार में एक बिल पास हुआ है, वो भी केवल मुसलमानों के खिलाफ पास हुआ है, जिसका किसी भी कांग्रेसी सांसद ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। जोधपुर के दौरे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बीजेपी की सभाएं फेल हो रही है, वो सिर्फ रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए, कन्हैया लाल मामला हो या फिर किसी को मुआवजा देने का मामला, उनको जवाब देना चाहिए। मीटिंग फेल हो रही है भाई, अमित शाह जी खाली रोड शो कर रहे हैं, लोग आ नहीं रहे वहां पर, और पिछले चुनाव में आकर झूठे आरोप लगाए इन लोगों ने सरकार पर। अब उनको चाहिए कि राजस्थान में दौरे करे तो असेंबली के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, इनके केंद्रीय मंत्रियों ने, इनके पांच मुख्यमंत्रियों ने चुनाव जीतने के लिए जो माहौल बनाया झूठ का, 5 लाख दे दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, कन्हैया वाले मामले में सब झूठ बोल बोल के गए थे, इतने रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, अब देखिए आप कितनी डकैती हो रही है। आपको गर्मी से बचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। गर्मी के चलते रामलला के पोशाक और भोग में भी बदलाव किया गया है, उन्हें गोटेदार सूती वस्त्र धारण कराया जा रहा है, वहीं दही का भोग लगाया जा रहा है। तो वहीं अजमेर में जी नगर पंचायत संस्थान की ओर से शीतला सप्तमी पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। 250 सालों से चली आ रही इस परंपरा का हर साल की भांति इस साल भी हर्षोल्लास से आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में समाज की महिलाएं सिर पर गणगौर के जेले लेकर निकली है और इस मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवदानी और अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल भी शामिल हुई। भीषण गर्मी के लिए जाने जाने वाले मरुधरा में इस बार प्रदेशवासियों को गर्मी और सताएगी। मौसम विभाग ने गर्मियों के सीजन के लिए पूर्वानुमान ही जारी किया है, तो अप्रैल मई और जून के महीने में तापमान औसत से ज्यादा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इन 3 महीनों में प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। खासतौर पर उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के लोगों को गर्मी अधिक परेशान करेगी। 10 अप्रैल के बाद से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से अधिक होने की संभावना है। विभाग द्वारा इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु के लिए तापमान का आउटलुक जारी किया गया है। इस दौरान पूरे समर सीजन में यानी अप्रैल से लेकर जून तक की 3 महीनों की अवधि में अधिकतम तापमान राजस्थान के कई इलाकों में औसत से ऊपर रहने की संभावना है। विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के हिस्से यानी जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में तापमान जो है वो सामान्य से ज़्यादा ऊपर रहने के चांसेज हैं। वहीं रात्रि तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी इस वर्ष समर सीजन में औसत से ऊपर रहने की संभावना ज़्यादा है, खासकर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में। वहीं दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। अब बात करें यदि हीट वेव की, तो इस समर सीजन में हीट वेव की जो संख्या है और हीट वेव की जो स्पेल्स हैं ये भी सामान्य से ऊपर रहने की संभावना इस समर सीजन में ज़्यादा है। पाली से कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में पाली सांसद और बीजेपी पर निशाना साधा, सुनिए।
कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल, उनसे जानते हैं कि पाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर उनकी किस तरीके की प्राथमिकता रहेगी। मैडम, आपकी लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ रहे हैं, आपकी पाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर किस तरीके की प्राथमिकता रहेगी? जो पाली हमारे 10 से 15 साल पहले जो पिछड़ गया था, जिसका विकास रुक गया था, चूँकि यहाँ पर जो हमारे सांसद रहे वो वोट लेने आते थे और उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं देते, ना किसी गांव ढाणी में, ना किसी कस्बे में, ना किसी जिले में, ना लोगों के बीच में। तो मैं जब अगर चुन के आती हूँ तो वो विकास की एक बार फिर से हम लहर चलाएंगे। उसके अलावा अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग चीज मांग जो है उसको। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।